पोखरण से बड़ी खबर आपको बता दें, ड्राइवर की लापरवाही से खलासी की जान चली गई। बस की डिक्की का गेट गिरने से खलासी की दर्दनाक मौत हुई है। ड्राइवर के अचानक बस को तेज गति से बैक लेने पर यह हादसा हुआ। बस बैक लेने से डिक्की का गेट खलासी के सर पर गिर गया। बस की डिक्की से सामान निकाल रहा था खलासी, उस वक्त यह हादसा हुआ। खलासी सलीम के सिर पर गेट गिरने से यह गंभीर हादसा हो गया। उपजिला अस्पताल के चिकित्सकों ने खलासी को मृत घोषित किया। आपको बता दें, इलाज के लिए जब खलासी को चिकित्सालय ले जाया गया तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल शव को रखवाया गया है। पोखरण थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैक लेने के वक्त यह हादसा हुआ। डिक्की से सामान निकाल रहा था खलासी और जब बस को तेज गति से बैक लिया गया तो डिक्की का गेट उसके सर पर आ गिरा। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गिरिराज छगानी। गिरिराज, क्या पूरा मामला है? एक बस का जो खलासी है उसकी मौत हो गई है डिक्की का गेट सर पर लगने से, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा कि ये मामला देर रात का है। जब बस जोधपुर से जैसलमेर जा रही थी, इसी दौरान नाठी गांव के पास किसी पैसेंजर के उतरने के बाद उसका सामान है जो पीछे रखी डिक्की से निकालने की कोशिश कर रहा था खलासी। उसी दौरान बस का जो ड्राइवर है उसने बस को तेज गति से बैक लिया तो पीछे का जो दरवाजा था डिक्की का वो अचानक से उसकी सिर पर गिर गया। उसको गंभीर अवस्था में पोखरण के उपजिला अस्पताल लेकर आए जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने की कोशिश की, परंतु गंभीर हालत की वजह से उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज इस तमाम जानकारी के लिए।